हाल ही में हमारी ग्राम पंचायत ने NPCIL का दौरा किया और अपनी मुख्य मांगे गांव के विकास के लिए NPCIL के सामने रखी। 27 मांगे ग्राम पंचायत गोरखपुर ने NPCIL के सामने रखी, जिनसे गांव का विकास हो सके, गांव साफ सुंदर स्वच्छ बन सके, गांव प्रगति बढ़ सके, इसके लिए ग्राम पंचायत ने अपनी मांगे NPCIL के सामने रखी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी मांगे वो है। बरसाती पानी की निकासी के लिए डाब तालाब से रैमसरा तालाब एवं मिठड़ी तालाब से फतेहबाद बरान तक RCC पाइपलाइन ने ड्रेन का निर्माण। दूसरी मांगे, बरसाती पानी की निकासी के लिए डाब तालाब से भूमना रोड के साथ साथ फतेहबाद बरान तक RCC पाइपलाइन ने और ड्रेन का निर्माण। सामुदायिक विकास केंद्र कम्युनिटी सेंटर का निर्माण। पंचायत कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक पार्क का निर्माण। सभी तालाबों की बाउंड्रिया और गौ घाट बनाकर सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। सभी शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए। पूरे गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाएं। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं। गांव में व्यायामशालाओं का निर्माण हो। गांव में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण हो। गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए सीवर लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव की फिरनी का निर्माण करके पूरी फिरनी पर लाइटें लगवाई जाएं। गांव की सभी चौपालों का सौंदर्यीकरण किया जाए। 100 बेड वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। पशु अस्पताल भवन का निर्माण। जिम का संपूर्ण सामान उपलब्ध करवाया जाए खिलाड़ियों के लिए। गौशाला का सौंदर्यीकरण किया जाए। ITI भवन एवं कॉलेज भवन का निर्माण। मिठड़ी तालाब से सीमानी रोड बस स्टैंड तक सड़क के दोनों ओर IPO लगवाए जाएं। गांव की पुरानी चौपालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी भवन की मरम्मत करवाई जाए। खेलों का सामान उपलब्ध करवाया जाए। शहीद राजेश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की चारों तरफ की दीवारें पूरी करवाई जाएं। शहीद पार्कों का नवीनीकरण किया जाए। गांव में तीनों बस स्टैंडों का निर्माण करवाया जाए। मीरपुर से जैंडली खुर्द तक की सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाए और गांव में आधुनिक विश्राम घर का निर्माण करवाया जाए। ये 27 मांगे ग्राम पंचायत गोरखपुर ने NPCIL के सामने रखी। तो NPCIL ने इन मुख्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और हम भी यही चाहते हैं, यदि इन मांगों की तरफ NPCIL ठीक तरीके से ध्यान देकर और गांव में इन मुख्य मांगों को यदि पूरा करता है तो गांव गोरखपुर की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आएगी और हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाएगा। तो हम भी ग्राम पंचायत का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये मुख्य मांगे NPCIL के सामने रखी। आप गौर करने की बात यह है कि देखते हैं कि NPCIL इन मांगों पर कब तक अपना विचार पेश करता है और कब तक इन मांगों की तरफ ध्यान दिया जाता है। देखते रहिए हमारे साथ सत्यग्राम रिपोर्ट।